वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण पांच में भणवाना छे हिंदी। तो धोरण पांच में हिंदी में आप चैप्टर नंबर टू छे गिनती। चैप्टर नंबर टू गिनती, बराबर। तो हवे आज आप चैप्टर नंबर टू गिनती में भाग छे आपणो त्रीजो। आ पहला आपणे पेज नंबर 10 सुधी 1 थी 50 सुधी गिनती भणी गया छे हिंदी में अने गुजराती में, बराबर। तो हवे आपणे आजे पेज नंबर 11 पर भणवाना छीए। तमारा पेज नंबर 11 पर एक सुंदर चित्र तमने देखाय छे काचबानुं। 21 से 50 तक की गिनती को क्रमिक मिलाकर चित्र बनाइए। एटले के 21 थी लईने 50 सुधीनी जे गणतरी छे ए तमने जोड़ीने आ चित्र पूरु करवानुं छे। तो तमारे आ लेसन छे तमारुं, आ तमारा चित्रो लेसन में छे, तमारे पूरु करवानुं छे, बराबर। हवे नीचे जो स्वाध्याय, तो આપણે જે આગળ ભણી ગયા 1 થી 50 અંક, એના આધારે આપણે અહીંયા અંકમાં લખવાનું છે, એના આધારે આપણે અહીંયા અંકમાં લખવાનું છે। તો બાળ મિત્રો જુઓ, અંકો મે લખે તો 22 કેમ લખાય? તો 22 લખાય 2 બગડા 22, બરાબર। દો ઓર દો હોતે હે 22। 29 કેમ લખાય? તો દો ઓર 9 હોતે હે 29, દો ઓર 9 હોતે હે 29। 48 કેમ લખાય? તો 4 ઓર 8 હોતે હે 48। ઓર 44 કેમ લખાય? તો 2 બાર 4 લખે તો હો જાતે હે 44। સમજ મે આયા બચ્ચો? 22 29 48 ઓર 44। અબ આગે ક્યા લખના હે હમકો? આગે લખના હે ક્યા લખના હે બચ્ચો? આગે આગે લખના હે હમકો 37। તો 37 કેસે લખેંગે? તો 3 और 7 होते हैं 37। उसके बाद 25, तो 2 और 5 होते हैं 25। उसके बाद 31, तो 3 और 1 होते हैं 31। और लास्ट में है हमारा 50, तो 5 और 0 बन गए 50। तो हमने पहले 37 लिखे, बाद में 25 लिखे, उसके बाद 31 लिखे और अब हमने 50 लिखे हैं, बराबर। तो बच्चों ये हो गया आपका पूरा, बराबर। ये हमारा पूरा हो गया है। तो अब हम लिखेंगे 46। 46 कैसे लिखना है बच्चों? तो 46 हम 4 और 7, 46 4 और 6, 4 और 6 बनाकर होते हैं 46। 28, 2 और 8, 2 और 8 मिला के होते हैं 28। और 33, तो 2 बार 3 लिखे तो बन जाते हैं हमारे 33, 2 बार 3 लिखे तो बन जाते हैं हमारे 33। और लास्ट में है 42, तो 42 कैसे लिखेंगे? तो 4 और 2 बन गए हमारे 42, 4 और 2 से बन गए हमारे 42। तो बच्चों हमने आज जो स्वाध्याय का जो लिखा है आपको भी अंक में लिखने हैं, बराबर। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? इसके आगे हम लिखेंगे, अब पेज नंबर हम 12 पे आ गए हैं। पेज नंबर हम आपके कौन से पे आ गए हैं? 12 पे आ गए हैं। पेज नंबर पे 12 पे देखो, सही जोड़ मिलाइए, सही जोड़ मिलाइए। तो अब हम सही जोड़ मिलाने वाले हैं। तो बॉक्स में लिखा है सही जोड़ मिलाए अ और ब, तो क्या लिखा है? 41, बराबर 41। तो देखो बच्चों, आपके आपके इस बॉक्स में 41 की लाइन है लास्ट में, बराबर। अब देखो क्या लिखा है? 45, तो 45 हम लिखेंगे दूसरे बॉक्स में। अब क्या लिखना है? 48, बराबर। तो 48 हमारे आएंगे यहाँ, और 26, 26 हमारे है ड में, और है लास्ट में ओ, फिर से हम करेंगे हम 41, बराबर। फिर से हमें 41, बाद में हम लिखेंगे 45, उसके बाद 48, उसके बाद 26, और लास्ट में है हमारे 49।
बच्चों आपका तो बॉक्स मिला है यहाँ पे, तो पहले बॉक्स में आपको लिखना है, क्या लिखना है जो दिखाई दे रहा है उ, पहले बॉक्स में है आपका उ, दूसरे बॉक्स में क, दूसरे बॉक्स में क, बराबर। इस तरह से आपको बॉक्स के सामने मुझे जो लिखा है वो आपको लिखना है। उसके बाद हमको लिखना है तीसरे बॉक्स में ई, बराबर ई लिखा है। उसके बाद हमको लिखना है, उसके बाद चौथे बॉक्स में लिखना है ड, और लास्ट में हमको क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है इसे इक, उ क ई ड अने इसे इक, ये आपको बॉक्स में लिखना है। तो बच्चों इस तरह आपको बॉक्स में लिखना है, बराबर। तो आज हमने जो जोड़ मिलाई है आपको भी लिखनी है, बराबर। तो अब देखो नीचे क्या है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो आओ खेल खेले ऐसा लिखा है। तो माचिस की तीन खाली आपको डब्बियाँ लेनी है, माचिस की तीन खाली डब्बियाँ लेनी है, एक के ऊपर एक रखते हुए आप एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें। माचिस की तीन डिब्बियाँ लेकर एक के ऊपर एक रख के आपस में चिपका लेनी, उस पर रंगीन कागज़ चिपकाना है, फिर बॉक्स चिपका कर उस पर क्या करना है, रंगीन कागज़ चिपकाना है और छः तक की गिनती लिखनी है, एक से छः तक की गिनती हमको लिखनी है, रंगीन कागज़ लेकर छः तक की गिनती लिखनी है, बराबर। छः तक छः सुधीनी आपणे गणतरी लखवानी छे, छः सुधी एक बे तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे गिनती लिखनी है, और फिर आपको पासा बन जाएगा आपका, बराबर। और इस पे पासे से आपको खेल खेलना है, कौन सा खेल खेलना है तो बच्चे हम देखेंगे आज। तो ये देखो पेज नंबर हमारे 13 है, उस पे क्या लिखा है, पहले से देखो, पहले लिखा है 21 में हमें क्या करना है, हमको ऐसे आपका जो है वो पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 12-13 उस पे आपको खेल खेलना है। तो पहले तो आपको मुस्कुराना है, जोर से मुस्कुराना है, फिर 22 पे आएंगे तब क्या करना है, 22 पे आएंगे तब हम खेल खेल में पासे के जो खेल खेलेंगे उसमें जो 22 तक आएगा तो दो कदम आगे चलना है, 23 पर आएंगे तो तीन ताली बजानी है, 24 पे क्या लिखा है, 24 पे लिखा है, 24 पे लिखा है केला खाने का अभिनय करना है, 25 में कोयल की आवाज़ निकालनी है, इसके बाद ऊपर 26 में क्या करना है बच्चों, 26 में हमको दो अंक पीछे चले जाना है, 27 में प से बनाने वाले दो शब्द बनाओ बताओ, प से यानी कि पतंग है, परी है, पानी है, इसे हमें शब्द बताने हैं, ये अपने दोस्तों के साथ आप खेल सकते हो। 28 पे हम आएंगे तो अपने दोस्तों का नाम बताओ, अगर 28 पे आप आ गए हो तो अपने दोस्तों का नाम बताओ। उसके बाद है 29, तो 39 पर जाओ, बराबर 29 पर आ गए हो तो 39 पर जाओ, 30 पर हो तो फिर बारी लो, फिर 30 पर आए होगे तो फिर से अपना दाव लेना है, फिर से अपनी बारी लेनी है, फिर 35 पे आए हो तो घर का चित्र बनाना है, 35 पे अगर आ गए तो आपको अपना घर का चित्र बनाना है, 34 पे है तो एक अच्छा चुटकुला सुनाना है, अच्छा एक जॉक्स सुनाना है, 33 पे है तो दोनों हाथों की उंगलियाँ गिनकर दिखाओ, अगर आप 33 पर आ गए हो तो आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियाँ गिनकर दिखानी है। उसके बाद 32 पे आए हो तो मोर की आवाज़ निकालनी है, मोर जैसी सुंदर आवाज़। उसके बाद अगर 31 पे आए हो तो एक कदम ऊपर जाओ, बराबर एक कदम ऊपर जाओ। उसके बाद 36 पे आए हो तो 20 चुटकियाँ बजाओ, 20 बार आपको चुटकियाँ बजानी है, और 37 पे गए हो तो 3 अंक आगे चलो, बराबर। उसके बाद 48 पे आए हो तो कहानी सुनानी है आपको अच्छे से, 39 पे आए हो, 38 पे आए हो तो कहानी सुनानी है, 39 पे आए हो तो म से बनाने वाले शब्द बताओ, म से मछली मगर, म से मछली मगर ऐसे शब्द आपको बनाने हैं, बराबर। और 45 पे और आप 40 पे आए हो तो फिर से बारी लो, अगर आप 40 पे आ गए हो तो आपको फिर से अपना दाव लेना है। उसके बाद ऊपर देखो 45 लिखा है, 45 पे हम फूल सूंघने का अभिनय करेंगे, हम फूल कैसे सूंघते हैं ऐसा फूल सूंघने का अभिनय करेंगे। 44 पे एक की आवाज़ निकालो, एक की आवाज़ निकालनी है,
और 43 पे हमको रसे बनने वाले शब्दों को लिखना है। उसके बाद क्या करना है, 42 पर हमको घोड़ा गाड़ी चलाने का अभिनय करना है और हमको 41 पे 3 अंक नीचे चले जाना है। बराबर इस तरह हमको अलग 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 नंबर दिए गए हैं। उसके बाद है ऊपर 46 में लिखा है, उसमें यातायात के 3 साधनों के नाम लिखने हैं। 47 में आपके भाई को कौन सी मिठाई पसंद है वो बताना है। 48 पे नहाने का अभिनय करना है और 49 में मेंढक की चाल चलनी है और 50 पे हुर्रे जीत गए। बराबर तो 50 पे आपका खेल ख़त्म होता है। तो इस तरह आपको गिनती भी बोलनी आ जाएगी, कैसे लिखना है वो भी पता चल जाएगा और आपका खेल भी कि आप खेल भी खेल सकेंगे। तो ये है हमारी गिनती। तो आज हमारा जो गिनती का चैप्टर था वो आज ख़त्म होता है। एक बार इस खेल को खेलना घर पे अपने दोस्तों के साथ, मज़ा आएगा। बराबर और जो मैंने गिनती पढ़ाई है 1 से 50 तक, वो आप अपने आपको याद रखना है और टीचर ने जो आज जोड़ मिलाई है पेज नंबर 12 पे वो भी आपको करना है और पेज नंबर 11 पे जो मैंने लिखा है वो भी आपको करना है और पेज नंबर 11 पे कछुए का चित्र पूरा करना है। अगली बार हम स्वापोथी में लिखेंगे। बराबर आइडियल स्वापोथी में लिखेंगे। तो आज हमारा पाठ्य पुस्तक में ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगली बार मिलेंगे तो हम स्वापोथी में लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे।